वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड साइंस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा चटपटा सा डिश जो बड़ों से लेके बच्चे तक सब खा सकते हैं। तो लॉकडाउन में आप लोग बोर हो गए होंगे गाइस, दाल चावल रोज के रोज खाते खाते। ये एक ऐसा डिश है जो इजिली अवेलेबल होगा आपके फ्रिज में, आपकी किचन पे, और कुछ एक आइटम है गाइस जो आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा ग्रोसरी शॉप से, राइट गाइस। तो बोर क्यों हो रहे गाइस, चलो उठो और बनाते हैं कुछ अच्छे से डिश। बाहर के डिश खाने से अच्छा है घर पर ही बनाए, घर पर ही रहे, घर पर सेफ रहे, राइट गाइस। तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं तो उनको भी चाहिए होता है बाहर का पिज्जा बर्गर वगैरह वगैरह। तो चलो क्यों ना घर पे कुछ ऐसा डिश बनाते हैं और खुद का पसंद से, खुद के इंग्रेडिएंट्स से, राइट गाइस। तो चलो किचन की ओर। यहाँ पर पहले इंग्रेडिएंट्स लगेगा हमारा नाचोस, जिसको मैंने ऑलरेडी इस तरह सा प्लेट में रखा है गाइस, मेयोनीज लगा रखा था गाइस। तो अब डायरेक्ट बढ़ते हैं चॉप वेजिटेबल की तरफ। जरा सा हम लोग इस पे सॉल्ट लेके रखे हैं गाइस, अब देख सकते हो। और अब इसमें हम लोग डालेंगे पैप्रिका पाउडर। अगर आपके पास पैप्रिका पाउडर नहीं है गाइस तो आप इसके बदली चिली पाउडर्स का भी यूज कर सकते हो। तो ध्यान रखते हुए थोड़ा सा हमें अमाउंट में लेना है इस तरह सा। मुझे कम तीखा पसंद है तो मैंने कम लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ ले रही हूँ पास्ता हर्ब्स, ये इजीली अवेलेबल है गाइस। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके बदले आप ऑरिगेनो भी डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने यूज किया था लेस का मैक्स चिली फ्लेवर, तो आप यहाँ पर चीज़ वाला नैचोस भी ले सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मुझे नैचोस नहीं मिला था तो मैंने इसलिए ले लिया। तो नैचोस रहता तो परफेक्टली मेयोनीज लग सकता था गाइस, बट इसमें परफेक्टली नहीं लगा तो इसलिए थोड़ा सा वेजिटेबल्स में हम लोग मेयोनीज और ऐड कर रहे हैं। अगर आप नैचोस से कर रहे हो गाइस तो नैचोस में परफेक्टली लग सकता है। तो इस तरह से आपको अच्छे से सारे वेजिटेबल्स को मिला लेना है। आप देख सकते हो काफ़ी कलरफुल सा लग रहा है। इस तरह सा मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब रफली सबके ऊपर इस तरह से आपको छिड़क देना है गाइस। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा बनकर निकलेगा गाइस। सब पे परफेक्टली चला गया गाइस, आप देख सकते हो। इसे रफली करना है गाइस। तो गाइज यहाँ पर मैं ले रही हूँ चीज़ का स्लाइस, बिकॉज मेरे पास यही अवेलेबल है अभी लॉकडाउन पे, मैं तो और चीज़ ले नहीं सकती थी। तो एक स्लाइस का चीज़ ले रही हूँ, ये काफ़ी होगा गाइज। अब इसको आपको टुकड़ों में कट कर देना है रफली हैंड से और इस तरह आपको रफली सब पे छिड़क देना। अब मैं इसे ओवन में डाल दूंगी जब तक के ये चीज़ मेल्ट ना हो। तो गाइज बनकर तैयार है हमारा चिप्स पिज्ज़ा और आप देख सकते हो कितना प्रीटी हुआ है, परफेक्टली मेल्ट भी हो गया है सारा चीज़। सो गाइज मैं रेडी हूँ इसे टेस्ट करने के लिए। ये काफ़ी चीज़ी सा बना है गाइज और मैं तो चीज़ की फ़ैन हूँ। एंड सी मैं इसका आवाज़ भी सुनाना चाहूँगी। अभी तक क्रंची है गाइज, ऐसा नहीं है कि चीज़ के कारण सारा चिप्स मेल्ट हो गया। तो आप इस तरह ट्राई कर सकते हो गाइस, बहुत ही टेस्टी है, देख सकते हो आप गाइस, और क्रंची भी बरकरार है। सो गाइस जरूर ट्राई करें ये डिश को, काफी टेस्टी बना है गाइस। सो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो, आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी तो मेक श्योर इस वीडियो को बिग लाइक देना बिल्कुल भी ना भूले और साथ साथ अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें जो लॉकडाउन में बोर हो जा रहे हैं घर पे। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल एंड अल्लाह हाफिज।